खाना खाने के बाद तुरंत पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? दोस्तों भारत में 99% लोग दिन में 3 बार ये गलती करते हैं भाई साहब, जब वो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, कोई गिलास भरकर, कोई लोटा भरकर, और फिर बोलते हैं हाँ मजा आ गया। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता दूं, वो मजा नहीं है, वो सजा है। क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। तो अब ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से मना किया जाता है? यहाँ तक कि डॉक्टर भी इस बात को बोलते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी भूलकर भी ना पिए। और अगर ऐसा है तो फिर खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पिए, क्या है सही टाइम पानी पीने का, तो सभी जानकारी आपको इस हेल्थ सेशन में मिलने वाली है। इसलिए भैया ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। तो दोस्तों जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं, हमारे फूड पाइप से होकर हमारा खाना पेट में पहुंचता है। अब जैसे ही खाना हमारे पेट में पहुंचता है तो हमारे पेट में अग्नि जलने लगती है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब वही अग्नि, वही आग हमारे खाने को डाइजेस्ट करेगी, हमारे खाने को पचाएगी। लेकिन भैया तुमने पी लिया पानी, अब जरा सोचो अगर कोई आग के ऊपर पानी डाल दे क्या होगा, आग तो बुझ जाएगी। तो वो अग्नि जो खाने को डाइजेस्ट करती वो बुझ गई, अब क्या होगा, अब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, अब आपका खाना वो सड़ेगा। अब जब वो खाना आपके पेट में सड़ेगा तो सारी पेट की जितनी भी प्रॉब्लम आपके पेट में पैदा हो जाएगी, कब्ज, एसिडिटी, गैस, दर्द होना, तमाम तरीके की बीमारियां आपके शरीर में पैदा हो जाएगी। अब खाना सड़ने के बाद सारी पेट की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। अब लेकिन कभी कभी गैस इतनी भयंकर बढ़ जाती है कि वो हमारे जब सिर में जाएगी ना तो हमें चक्कर आने लगते हैं, सिर में दर्द हो जाता है कई बार। और कभी आपने देखा होगा दिल में हमारे कई बार ना चुभन उठती है, हम सोचते हैं कि हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं है, वही गैस हमारे दिल में भी आ जाती है तो वो चुभन होती है। ये सोचो वो कितनी भयंकर है। दूसरी बात, अब वो खाना जो आपका सड़ेगा, अब आपकी आंत उस खाने में मौजूद मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को सोखती है, तो उससे खाने में जितने भी मिनरल्स होंगे ना वो आपको मिलेंगे नहीं, यानी खाना खाने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। और सारी गंदगी, सारा सड़ी हुई चीजें आपके खून में जाकर मिल जाएगी और आपका खून गंदा हो जाएगा। शुगर वाले मरीज भूलकर भी इस गलती को ना करें, क्योंकि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो इससे आपके खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आपका शुगर लेवल इतना हाई पहुंच जाएगा। आप सोचोगे यार मैं तो दवाई खाता हूं, मैं तो परहेज करता हूं, लेकिन कर रहे हो भैया ये गलती, उससे क्या होगा, आपकी शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगी। तो ध्यान रखें इस बात का आप। तो खासकर अब बात करते हैं तो आखिर खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पीना सही रहता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से हमें खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। अब इससे क्या होगा, इससे खाने में जितने भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होंगे वो अच्छे से आपकी बॉडी को लगेंगे। दूसरा, मोटापा भाई साहब कभी नहीं आएगा, मोटापा आपका कंट्रोल रहेगा, क्योंकि जब खाना सड़ता है ना उससे ही फैट जमता है जो मोटापा वो आता है। आपका खून साफ रहेगा, शुगर लेवल आपका कंट्रोल रहेगा, आपकी एनर्जी हाई रहेगी, क्योंकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो एनर्जी भी भरपूर आपको मिलेगी। यहाँ तक कि पेट से शुरू होने वाली बीमारियों से भी आप बच जाएंगे। खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद ही पानी आपको पीना चाहिए। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय भी आप इस पर बता सकते हैं। नमस्कार।